सारे बच्चों को राधे कृष्णा। तो एक्चुअली कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के एग्जांपल के एक्सरसाइज में, तो मैंने सोचा कि मैं उसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि उन्होंने पूछा भी था। तो ये एक शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें मैं दो एग्जांपल क्लियर करूँगा जो उसने पूछा था, 1.6 और 1.7। तो 1.7 पे पहला सबसे ज़्यादा बात 1.7 की थी, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन 1.7 में था। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल 1.7 क्लियर करूँगा, इसके बाद 1.6 क्लियर करेंगे हम लोग। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, उसके हिसाब से मैं फिगर बना दिया हूँ, तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन में ये बोला था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसका हर एक साइड आपस में बराबर हो और जिसके बीच की एंगल 60 डिग्री। तो एक इक्विलेटरल था जिसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है वो एल है। तो एक साइड एल है तो यानी बाकी साइड भी एल होंगी, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जिसकी साइड एल हो गई। ठीक, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, तीन वर्टिस होंगे, वर्टिसेस पे चार्ज रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो यानी ये क्यूब, ये भी क्यूब और ये भी क्यूब, लेकिन जो ऊपर वाले साइड वर्टिक्स पे चार्ज रखा गया है वो नेगेटिव है, बाकी दोनों एडजेसेंट वाले जो साइड चार्ज है वो पॉजिटिव है। यानी कि ये वाला पॉइंट वन और पॉइंट टू पे जो चार्ज रखा गया है वो हमारा पॉजिटिव है और ऊपर वाला चार्ज हमारा नेगेटिव है, ये क्वेश्चन ने बोला है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो बोला है, क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसी तरह ये वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, अंडरस्टूड है। और ये वाला जो एंगल होगा वो भी 60 डिग्री का होगा। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं फिगर से के माध्यम से। तो अब देखिए होगा क्या, ये चार्ज प्लस क्यू है, ये भी चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज माइनस क्यू है, क्वेश्चन में बोला है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड एल है। ठीक, अब हम लोगों को हर एक चार्ज पे फोर्स निकालना और कुछ नहीं, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो शुरू करते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो मैं मान लेता हूं कि ये जो क्यू है ये इसको ढकेल रहा होगा, यानी ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा एफ वन टू, ठीक है, वन पे फोर्स लगा रहा है टू वाला, ये एफ की डायरेक्शन हो गई, एफ वन टू की डायरेक्शन हो गई। ये इसी चार्ज पे इसके द्वारा जो फोर्स लगा वो तो हम लगा दिए, इसी चार्ज पे माइनस क्यू के द्वारा भी फोर्स लगेगा और ये अट्रैक्शन का लगेगा क्योंकि ये दोनों नेगेटिव चार्ज के हैं। तो यानी इस क्यू को ये खींचेगा, खींचेगा यानी इस डायरेक्शन में फोर्स हमारा लगेगा। तो ये हो गया एफ वन थ्री, ये चीजें क्लियर हो गई। क्यू को ये खींचेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, एफ वन थ्रू एफ वन थ्री। क्यू को ये ढकेलेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो एफ वन। उसी तरह ये वाला क्यू भी इसको ढकेलेगा, तो इस क्यू पे ये फोर्स लग जाएगा हमारा एफ टू वन। और ठीक इसी तरह इस क्यू को ये खींचेगा तो इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग जाएगा एफ टू थ्री। तो यहां पे अब ये जो माइनस क्यू है ये इसको खींचेगा, तो ये हो गया F23 का डायरेक्शन, और इस क्यू को ये प्लस क्यू ढकेलेगा तो ये हो गया F21 का डायरेक्शन। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये नेगेटिव है और इस पे जो है वो इन दोनों के द्वारा फोर्स लगेगा, इस क्यू चार्ज पे इन दोनों के द्वारा फोर्स लगेगा। और कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव, दोनों खींचेंगे क्योंकि दोनों सेम चार्जेस के हैं। तो एक हमारा फोर्स ये हो गया F31, यानी 3 पे लग रहा है फोर्स F1 के द्वारा खींचेगा, और एक फोर्स हो गया हमारा ये F32, इसको भी ये खींचेगा। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। फोर्स की डायरेक्शन मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई, लेकिन इसमें अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि मैंने बोला था एक बार बहुत पहले कि अगर एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होते हैं, अलग में भी आप लोग पढ़े होंगे कि एक ही पॉइंट पे जब दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होते हैं तो एक्चुअली जो बॉडी का फोर्स होता है या जो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है वो उसकी रिजल्टेंट होती है, उसकी रिजल्टेंट के डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, या उसका जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो भी हम उसके रिजल्टेंट में निकालते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर हम देखें तो ये होगा। उसी तरह इसको हम मान लेते हैं एफ वन,
उसी तरह इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट टू पे तो F2 होगा। उसी तरह इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये हो गया F3। ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगी होगी। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बीच में ही होगा, जाहिर सी बात है। क्यों बीच में होगा? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे, बस इनका डायरेक्शन अलग अलग होगा। दोनों फोर्सेस आपस में बराबर क्यों होंगे? क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है, सब क्यू क्यू के चार्ज है, और नेगेटिव साइन की वजह से डायरेक्शन बस थोड़ा सा चेंज है। तो इन्हीं दोनों डायरेक्शन चेंज की वजह से हमें जो है वो मैग्नीट्यूड F1 मिला है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड F2 यहाँ मिला और मैग्नीट्यूड F3 यहाँ मिला। तो अगर हम 11th का कॉन्सेप्ट लगाएं, वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाएं, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएं, तो जो F1 होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग प्लीज, जो F1 होगा, F1 क्या होगा? F1 जो होगा वो F12 का होल स्क्वायर प्लस F13 का होल स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू F13 कॉस। इन दोनों के बीच क्या एंगल बनेगा? अगर ये 60 है तो ये पूरा कितना होगा? ये पूरा हो जाएगा 120 कॉस 120 डिग्री अंडर रूट। ये F1 की फोर्स आ गई, ये आ गई हमको F1 का फोर्स। ठीक उसी तरह अगर हम F2 निकालेंगे तो F2 हो जाएगा हमारा, ठीक उसी तरह F2 हो जाएगा हमारा F21 का होल स्क्वायर प्लस F23 का होल स्क्वायर प्लस 2F23 इंटू F21 कॉस 120 डिग्री। ये हम लोगों को बात समझ में आ गई। तो यहां से हम F1, F2 और F3 की वैल्यू निकालेंगे। F3 की वैल्यू क्या होगी? F3 की वैल्यू हो जाएगी उसी तरह अंडर रूट F31 का होल स्क्वायर प्लस F32 का होल स्क्वायर प्लस 2F32 इंटू F31 कॉस 60 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो मेरे ख्याल से यहां पे आप लोग F1, F2 और F3 की वैल्यू निकालने का आइडिया आप लोगों को पता लग गया होगा। अब इसके लिए हमको F12 चाहिए, F13 चाहिए, F21, F23, F31, F32 चाहिए, तो वो हम लोग निकालते हैं। तो देखिए F12 क्या होगा? F12 जो होगा, F इक्वल टू फोर्स कूलम्स लॉ द्वारा 1/4πε0 और ये दोनों चार्जेस यानी कि Q का स्क्वायर और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है L यानी L का स्क्वायर, ये F12 हो गए। उसी तरह F13 क्या होगा? F13 ये वाला फोर्सेस है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कूलम्स लॉ द्वारा लगाएंगे तो F13 हो जाएगा 1/4πε0 क्यू Q1 Q2 और यहां पे माइनस का क्यू है लेकिन लेंगे नहीं मैग्नीट्यूड में, तो ये हो जाएगा Q² / L² उसी तरह सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं डायरेक्शन नहीं ले रहे, कंफ्यूजन था ना यहाँ माइनस क्यों लगाए। क्वेश्चन में भी हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग किए थे और अदर क्वेश्चन भी किए थे हम लोग एक्सरसाइज में, तो उसमें माइनस होने के बावजूद मैग्नीट्यूड में हम लोग नहीं लगा रहे थे। तो ये हो गया F13। अब क्या चाहिए? F21। तो F21 भी हमारा हो जाएगा, अगर हम गौर से देखें तो 1/4πε0 Q² / L². ठीक उसी तरह सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा सेम होगा। F21 का भी वही होगा, F23 का भी वही होगा भैया, F31 का भी वही होगा, F32, बस हमको वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू रखना हम लोग शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से ये नोट हो गया होगा, तो पहले मैं वैल्यू रख के मैं बताता हूं। तो अगर मैं पहले में वैल्यू रखूं तो F1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट F12 का होल स्क्वायर। F12 क्या था? 1/4πε0 Q² / L² का होल स्क्वायर प्लस F13 F13 वही था 1/4πε0 Q² / L² का होल स्क्वायर।
प्लस टू एफ वन टू यानी 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इंटू 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर cos 120 degree। cos 120 degree की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, नहीं पता होगी तो हम बताते हैं, लिख के बताते हैं। इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये भी वही हो जाएगा, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो 2 × 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर का होल स्क्वायर ही होगा। और cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 है, 2 से 2 तो ये कैंसिल आउट, और ये प्लस माइनस यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो जब प्लस माइनस माइनस लग गया तो इसका एक टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, किसी भी एक टर्म से कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया सिर्फ एक टर्म, यानी कि एफ वन इक्वल टू बच गया 1/4 pi epsilon naught क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो एफ वन की वैल्यू क्या आ गई, एफ वन की वैल्यू आ गई 1/4 pi epsilon naught क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये हो गया एफ वन की वैल्यू। अब अगर हम एफ टू की वैल्यू निकालेंगे, एफ टू की वैल्यू, तो एफ टू की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया क्योंकि एंगल भी 120 degree का बन रहा है और वैल्यू भी सेम है, तो यानी कि एफ टू की भी वैल्यू यही है, F2 की भी वैल्यू जो है वो आएगी 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। यानी कि अगर हम गौर से देखें तो अभी तक हम लोगों का जो रिजल्ट निकला वो ये निकला है कि F1 इक्वल टू F2, लेकिन F3 की वैल्यू में अंतर आ सकती है। क्यों अंतर आ सकती है, क्योंकि इसमें जो एंगल बन रहा है वो 60 degree का बन रहा है, तो हम लोग F3 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो F3 की वैल्यू निकालते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, तो ये प्लस था, इसकी वैल्यू थी माइनस 1/2, तो प्लस माइनस माइनस, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा दिया, ये 2 का मल्टीपल इस 2 के मल्टीपल से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये टर्म माइनस का है, ये टर्म प्लस का है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये टर्म बचेगा स्क्वायर के साथ, तो स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म बच जाएगा, यानी एफ वन की वैल्यू आ गई 1/4 pi epsilon naught क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। उसी तरह एफ टू की वैल्यू आ जाएगी 1/4 pi epsilon naught क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि एफ वन और एफ टू में किसी भी चीज का कोई अंतर नहीं है, यहां तक कि एंगल भी सेम है, ये भी 120 degree बनेगा। अब अंतर आ सकता है तो F3 में आ सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल जो है वो 60 degree का है, तो हम वही निकालते हैं। अच्छा, एक चीज का गौर करिएगा कि अगर हम इसका नाम दे देते हैं, ये अगर हम नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B और इसको नाम दे देते हैं C वर्टिसेस को, तो एक बात का गौर करिएगा कि F1 की जो डायरेक्शन है, F1 की ये जो F1 की डायरेक्शन है वो BC के अलोंग है, BC के अलोंग, ये देखिए BC की डायरेक्शन और F1 की भी डायरेक्शन वैसे ही है। उस तरह F2 की जो डायरेक्शन है वो AC के अलोंग है, ये देखिए AC के अलोंग, ठीक है, तो इसका आप लोग गौर करिएगा। चलिए फिलहाल हम लोग F3 निकालते हैं, तो F3 निकालते हैं हम लोग, तो F3 के लिए क्या हो जाएगा, F3 इक्वल टू हो जाएगा F31 का होल स्क्वायर, F31 का होल स्क्वायर प्लस F32 का होल स्क्वायर प्लस 2 F31 F32 cos 120 की जगह हो जाएगा cos 60 degree। तो अब हम लोग सेम है कॉन्सेप्ट, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, F3 इक्वल टू हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा F31 का होल स्क्वायर, और F31 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4 pi epsilon naught, फिलहाल
हम लोग ये तो बाद में भी रख देंगे, वो वाला सॉल्व कर लेते हैं। एफ या रख ही देते हैं, एफ थ्री वन का वैल्यू हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एफ थ्री टू की वैल्यू हो जाएगी 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इनटू 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर cos 60। cos 60 की वैल्यू आई थिंक सब लोग जानते होंगे, मैं भी निकाल लेता हूं, मैं नहीं जानता हूं मतलब भूल गया हूं। ठीक वैल्यू हो गई भैया 1/2। देखो उसमें ध्यान से अंतर आ गया, उसमें उसमें प्लस का था, उसमें सॉरी उसमें माइनस का 1/2 आया था। ये जो दोनों वैल्यू निकाले हैं इसमें एफ वन और एफ टू में माइनस का 1/2 आ रहा था, इसमें प्लस का 1/2 आ रहा है, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहां पर बच जाएगा एफ थ्री इक्वल टू अंडर रूट 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देख रहे हो सेम क्वांटिटी आया है, सेम का होल स्क्वायर आया है, तो होल स्क्वायर से अंदर रूट खत्म, कहानी हो जाएगी। तो F3 आ जाएगा और फिर ये तीनों सेम क्वांटिटी है तो आपस में जुड़ जाएगा, तो F3 आ जाएगा या ऐसे लिख देता हूं F3 equal to 3 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। सेम क्वांटिटी थी तो आपस में प्लस हो जाएगी 3। अब जब ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा लेकिन इसका बच जाएगा, तो ऐसे लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा लेकिन 3 के ऊपर तो स्क्वायर है नहीं तो ये बच जाएगा अंडर रूट में। तो एफ थ्री क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखे, अब ये वैल्यू तो F1 और F2 के बराबर थी 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि F3 equal to under root 3 F1, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि F1 equal to F2 equal to 1/√3 F3, ऐसे लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं F3 equal to under root 3 F1। तो 1/√3 का अंतर आया, ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई। लेकिन अगर टोटल हमको रिजल्टेंट निकालना होगा तो एक बात और गौर करना, वो जीरो आएगा। वो कैसे जीरो आएगा, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, सिर्फ फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं, फोर्सेस के डायरेक्शन की, तो ये हमारा फोर्स हो गया F3, ये हमारा फोर्स हो गया F2 और ये हमारा फोर्स हो गया F1। तो अब देखिए अगर हम इसको स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ करें ये, तो ये F1 कुछ एंगल बना रहा है थीटा और ये भी कुछ एंगल बना रहा है, तो ये कितना एंगल बनाएगा अगर हम गौर से देखें, तो अगर हम एकदम अच्छे से देखें तो ये F1 और F2 जो है, F1 और F2 ये स्ट्रेट से कितना थीटा, अगर ये हमारा थीटा है ये चीज, सॉरी ऐसे समझ लेते हैं कि ये हमारा F3 नीचे की साइड है और ठीक मिडिल, ये 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि F1 और F2 भी जो हैं वो 30 डिग्री का एंगल इसके साथ बनाएंगे, ये 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो अगर हमको रिजॉल्व करना होगा तो F3 इक्वल टू ये हो जाएगा, ये फोर्सेस ये F3 नीचे के साइड है तो F3 इक्वल टू ये दोनों फोर्सेस जब हम रिजॉल्व करेंगे ये हो जाएगा F1 cos 30 डिग्री प्लस F2 cos 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये दोनों ऊपर की साइड जाएंगे, F1 को रिजॉल्व करेंगे तो उसका भी डायरेक्शन ऊपर की साइड होगा, F2 को रिजॉल्व करेंगे तो उसका भी डायरेक्शन
ऊपरी साइड होगा, और जब रिजॉल्व करेंगे तभी इसका रिजल्टेंट आएगा, दोनों एक डायरेक्शन में आ जाएंगे हमको, ठीक है, दोनों मतलब कि एक एक्सिस में आ जाएंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो एफ थ्री इक्वल टू जाएगा एफ वन कॉस 30, एफ टू कॉस 30, तो एफ थ्री इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू कॉस 30 डिग्री। तो वैल्यू तो सेम आ ही थी, और कॉस 30 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारा आई थिंक 30 की वैल्यू है अंडर रूट 3/2, और ये F3 इक्वल टू हो गया F1 प्लस F2 तो बराबर ही थे, तो यानी ये कह सकता हूं मैं कि 2F, F1 और F2 आपस में बराबर थे, F1 और F2 और 1/√3 F3, तो इसको मैं F के बराबर ले लेता हूं, F1 और F2 को F के बराबर ले लेता हूं यहां पे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो F3 इक्वल टू हो जाएगा F अंडर रूट 3, और F3 क्या था हमको पता है कि F3 जो था वो क्या था, F3 क्या था भाई, F3 था हमारा अंडर रूट 3 F, F1 या F2, F1 या F2, तो F1 या F2 F के बराबर है, तो इसको मैं लिख देता हूं F3 की जगह अंडर रूट 3 F इक्वल टू F अंडर रूट 3, तो अगर हम इसको LHS RHS करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लिख देता हूं अंडर रूट 3F माइनस अंडर रूट 3F इक्वल टू 0, तो यानी रिजल्टेंट जो हमारा फोर्स का आएगा वो हमारा 0 आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, पहले हम देखिए ध्यान से इसको रिजॉल्व किया हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हूं, ये F3 है, ये F1 है, ये F2 है, F1 और F2 दोनों 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे F3 से, यहां से हम लोग ये निकाले कितना एंगल निकाले, ठीक है, तो अब जब ये 30 डिग्री बनाएंगे तो F1 को रिजॉल्व करेंगे cos 30, F1 cos 30 और F2 cos 30, तब दोनों की डायरेक्शन ये आएगी, तो F1 plus F2 cos 30 equal to ये F1 cos 30 plus F2 cos 30 equal to ये, यानी F3 cos 30 कॉमन ली, तो F1 plus F2 equal to cos 30 F3, F1 plus F2 cos 30 equal to F3, अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो F3 equal to F1 plus F2 √3/2, अब F1 और F2 आपस में बराबर थे हमने निकाला है, तो F1 और F2 को F ले लिए, तो F plus F2 F हो जाएगा, F1 और F2 आपस में बराबर थे इनको F के बराबर ले लिया, तो ये F plus F2 F हो जाएगा, ये √3/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F3 इक्वल टू बच गया F अंडर रूट 3, F3 इक्वल टू F अंडर रूट 3, और हम लोग इसके पहले ही जब निकाले थे तो ये कैलकुलेट किए थे कि जो F3 होगा वो 3F के बराबर होगा, 3F के बराबर यानी 3F1 या 3F2 के बराबर होगा, और F1 और F2 को F के बराबर माने हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3F, तो F3 जो है वो 3F के बराबर होगा, F3 के लिए 3F, इसको दे ले 0, रिजल्टेंट 0 आ गया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।